गाइस कैसे हो आप लोग, गाइस मस्त से बचोगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपना एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप बैगों में देखो। तो कैसा लगा मेरा गेम प्ले? पता है मैं बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर जो हूँ। हाँ, प्रो प्लेयर भी मरते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले 100% एक्यूरेसी के बारे में। ये जो आप प्लीज देख रहे हो इसमें विदाउट एक्यूरेसी के आप देखोगे तो मेरा गोली बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मार रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका गोली रिकॉर्ड मार रहा है या एनिमी के बॉडी के ऊपर ही लॉक हो जा रहा है, हेड पे कनेक्ट नहीं हो रहा या प्रॉपर बॉडी पे कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ी देर के बाद गोली रिकॉर्ड मारने लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब है। बट आप इस क्लिप में देखोगे तो मैं जान सकता गोली एनिमीज के बॉडी के ऊपर भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, हेड के ऊपर भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले कि आप अपना एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो, मींस ऐसे से ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये आजकल बहुत होता है एंड ये आपको सीएस रैंक हर जगह पे काम आएगा। चलो गाइस बिना बड़ा इसके वीडियो शुरू करते हैं। एक सेकंड, तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? मुझे लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। तो चलो गाइस बिना बड़ा इसके वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से ट्रांजेक्शन के बाद। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, मींस इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर इसका सोल्यूशन नहीं मिला तो आपका एक्यूरेसी अच्छा हो भी नहीं सकता। तो ऐसा दो तीन रीजन की वजह से होता है। पहला ये कि आप बहुत ज्यादा जोर से ड्रैग करते हो, मीन जितना ज्यादा ड्रैग की नीड है उससे ज्यादा ड्रैग करोगे तो ऐसा गोली रिक्वायर मारता है। उसी के साथ अगर आपका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो या आप डीपीआई यूजर हो, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो या अगर आपका सेंसिटिविटी हाई है, बहुत ज्यादा हाई, मीन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हाई, तो भी ऐसा गोली रिक्वायर मारता है। प्लस आप ड्रैग भी जोर से करते हो तो ऑफकोर्स आपका गोली रिक्वायर मारने वाला है। अभी बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है कि एनिमीज के बॉडी के ऊपर कभी कभी एम स्ट्रक हो जाता है, हर्ड नहीं लगता है। तो इसके पीछे दो रीजन होता है, जैसे कि पहले था कि ज्यादा जोर से ट्रैक कर देते हैं, वैसे हम लोग इधर कम जोर से ट्रैक करते हैं जिससे एनिमीज के बॉडी के ऊपर ही एम स्ट्रक हो जाता है, ऊपर जाता ही नहीं है। और एक बार अगर एम स्ट्रक हो गया फिर अगर आप एकदम से कुछ ड्रैक कर देते तो रिक्वायर ही मारने लगता है। इसलिए आपको एक बार ध्यान में रखना कि आपको एकदम सही ड्रैक करना है, परफेक्ट ड्रैक करना है। परफेक्ट ड्रैक मतलब ऐसा नहीं कि भाई सच में हर एक गोली पे परफेक्ट ड्रैक करना पड़ेगा, बहुत इजी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे पता कर सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैंने आपको ये सब बातें क्यों बताई, तो मैंने इसलिए बताई जिससे आपको पता चल जाएगा अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को सेंसिटिविटी कम कर लेना, अगर ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, तो सेंसिटिविटी थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है और ड्रैग में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने की जरूरत है अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये बस मेरे को आपको बताना था। बट मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ड्रैग में चेंजेस मत करो, सेंसिटिविटी में चेंजेस करो, क्योंकि हर बार की ना फ्री फायर में अपडेट आने का सेंसिटिविटी में चेंजेस होता है, ना कि ड्रैग में, ठीक है। ड्रैग तो आप पहले जैसे ही करोगे तो अच्छा रहेगा, बस सेंसिटिविटी को थोड़ा बहुत चेंज करके देखा करो। अभी बिना कटाइस की बात कर लेते गाइस, अगर आपको अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, जब बंदे रहे तभी आपको ड्रैग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बंदे नहीं रहते और फिर भी ड्रैग करोगे तो ऐसे गोली रिक्वायर मारता ही है। तो इसके लिए आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि बंदा किधर से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा है। आप मेरे क्लिप में या किसी और बंदे को जो अच्छा खेलता है उसका अगर आप क्लिप देखोगे, हर एक टाइम वो बंदे को देख के गोली फायर नहीं करता, कभी कभार उसको पता रहता है कि बंदा इधर से ही आने वाला है, इस साइड से आएगा, सब फुट स्टेप के साउंड से और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस है उससे पता लगा लेता है कि वो बंदा किस साइड से आने वाला है। वैसे आपको भी पता लगाना है कि बंदा इस साइड से आ रहा है तो ही आप फायर करो, कभी कभार ऐसे हवे में फायर करने से गोली रिक्वायर मारता ही मारता है। आप लोगों को मैं पागल लगता रहूंगा कभी कर के भाई ऐसे जंप क्यों मारा है, क्योंकि मैं बस प्रिडिक्ट करता रहता हूँ कि भाई इधर से बंदा आ सकता है, ऐसे आपको भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना चाहिए। अभी बिना कटा उसके गाइस दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स बढ़ते हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला था बट अभी भी बोलता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो वो है कंटिन्यूसली फायरिंग मत क्या करो। कंटिन्यूसली फायरिंग करना ऐसे शॉर्ट रेंज में ठीक होता है, मीन्स जब बंदे बहुत ज्यादा पास होते तो हेड लग जाता है, ऐसे एम हेड पे रखो तो ऐसे हवा में फायरिंग करोगे तो हर बार नहीं बचोगे ना। बट ऐसे मिड रेंज में लॉन्ग रेंज में बंदा है तो बिल्कुल भी कंटिन्यूसली फायरिंग मत क्या करो, कवर का यूज करो, सीटअप करो, ग्लोअल का यूज करो, मतलब अगर आप कस्टम है तो पक्का आपको कंटिन्यूसली फायरिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पहली बात तो आपके कैरेक्टर का स्टिल स्टैंड पोजीशन हो जाता है एंड बंदे के लिए इजी हो जाता है एक सीधा बंदे को हेडशॉट मारना, ठीक है। तो ये बात आप जरूर से ध्यान में रखना कि कभी भी आपको कंटिन्यूसली फायरिंग नहीं करना, उससे गोली रिक्वायर मारता है, शुरू की गोली सही जाते हैं उसके बाद गोली रिक्वायर मारने लगते हैं। कंटिन्यूसली 5, 7, 12 बुलेट्स फायर करो, उसके बाद कवर का यूज क्या करो, ये रैंक में भी आप यूज कर सकते हो, लॉन्ग रेंज में देखना, आप लॉन्ग रेंज में कंटिन्यूसली फायरिंग करते हो तो आपका गोली रिक्वायर मारने लगता है। तो थोड़ा सा आप बीच में ब्रेक लिया करो, ब्रेक लिया मतलब जैसे सीटअप कर सकते हो, ग्लोअल में जा सकते हो, कवर में जा सकते हो। बिना कटा उसके गाइस तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है, वो है ड्रैग। ड्रैग में मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना ड्रैग करना चाहिए कितना नहीं ड्रैग करना चाहिए, ड्रैग में आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस आपको सेंसिटिविटी ऐसा रखना है जिसमें आपका एम भी आपके कंट्रोल में रहे, ड्रैग भी प्रॉपर हो, मीन हेडशॉट भी लगे, मूवमेंट भी हो, सब कुछ हो, ऐसा आपको सेंसिटिविटी रखना है ड्रैग में। बट एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आप सही टाइम पे सही ड्रैग करो। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि कितना ड्रैग करना चाहिए कितना ड्रैग नहीं करना चाहिए, सही ड्रैग की बात कर रहा हूँ। मीन्स बहुत बार आप एम के हिसाब से सही ड्रैग नहीं करते हो तो आपका गोली रिकॉर्ड आता है। जैसे कि आपका एम इधर है तो आप डायरेक्ट हेडशॉट के लिए ड्रैग करते हो तो आपके हेडशॉट लग जाते हैं। बट अगर आप रोटेशन ड्रैग करते हो, चीज ध्यान रखना, अगर आप रोटेशन ड्रैग करते हो कि अगर आप रोटेशन ड्रैग करते हो मीन्स ऐसे रोटेशन ड्रैग करते हो तो आपका गोली रिकॉर्ड आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एम के हिसाब से ज्यादा कर टाइम ड्रैग करना चाहिए, ये डायरेक्ट हेडशॉट के लिए ड्रैग करना चाहिए। कभी भी आप रोटेशन ड्रैग के लिए मत जाया करो, स्पेशली रैंक सीएस रैंक में वन टाइम मार के क्या करोगे, जरा बंदा 10 गोली भर देगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज जरूर से ध्यान में रखना, आपको एम के हिसाब से ड्रैग करना चाहिए। तो चलो गाइस आज की वीडियो था, होप आपको वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड या चैनल पे बेल आइकन से सब्सक्राइब कर देना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता है, तब तक बाय बाय एंड पीस।